हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद्य भीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 100% आयुर्वेद। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पानी कैसे पिया जाता है। 90% लोगों को पता ही नहीं कि पानी कैसे पिया जाता है। ज़्यादातर लोग पानी गटागट गटागट खरे खरे पी लेते हैं, ज़्यादातर लोग। तो ऐसा जो गटागट गटागट खरे खरे पानी पीते हैं, उनको तीन तरह के रोग एकदम निश्चित होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला रोग है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की सबसे पहले उन्हें बीमारी होगी, दूसरा लीवर में बहुत जोरों का दर्द होगा, और तीसरी बीमारी है हाइड्रोसिल की। तो ये तीन बीमारी जो गटागट खरे खरे पानी पीते हैं उनको होने ही वाला है। तो पानी कैसे पीना है, हमको पानी घूट घूट करके पीना है। हमारे शास्त्र में महर्षि वाग्भट जी ने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि पानी हमेशा घूट घूट करके ही पीना है। जिस तरह जानवर पानी पीते हैं, देखिए बाघ कैसे पानी पीता है, जीभ से चाट चाट कर, कुत्ते जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, बंदर भी जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, तो उनके शरीर में स्टेमिना और फुर्ती देखिए कितना है। चिड़िया घुट घुट करके पानी पीती है, तो इसीलिए उनके शरीर में हमेशा फुर्ती बनी रहती है, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। अगर आप भी ऐसे घुट घुट करके पानी पियेंगे तो आपके शरीर का स्टेमिना बिल्कुल ही बढ़िया रहेगा और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो पानी घुट घुट करके पिए, एक घुट लिए मुंह में घुमाए फिर उसको पी गए, एक घुट लिए मुंह में घुमा के फिर उसको पिए। ऐसा करने से मुंह में जो हमारी लार ग्रंथि है उसमें से जो लार निकलता है वो लार हमारे अंदर जाके हमारे भोजन को बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करता है, और हमारे लीवर से हमेशा एक एसिड निकलता रहता है जिसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना जहरीला है कि वो हमारे लीवर को लीवर में जलाकर उसको घाव कर सकता है। तो उसे शांत करने के लिए ये लार ही है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ औषधि। तो इसीलिए जब हम घुट घुट करके पानी पियेंगे तो वो पानी के साथ लार जाएगा और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को शांत कर देगा, और हमारे भोजन का पाचन क्रिया बहुत अच्छी तरीके से होगी। इसीलिए पानी हमेशा घुट घुट कर ही पीना है और बैठ कर पीना है, खड़े खड़े पानी नहीं पीना है। इसके अलावा पानी, महर्षि वाग्भट जी ने बताया है कि पानी को भोजन के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पीना है, भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। उससे हमारी जठर अग्नि बुझ जाएगी और भोजन का पाचन नहीं होगा, जिससे पेट में गैस बनेगी और उस गैस के कारण 103 तरह के रोग उत्पन्न होंगे। इसलिए भोजन के 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना है। भोजन करते समय थोड़ा थोड़ा घुट घुट कर आप आधा गिलास तक पानी पी सकते हैं, ज़्यादा नहीं, और भोजन के उपरांत एकदम पानी नहीं पीना है, 1 से 1.5 घंटे बाद पीना है। ऐसा करेंगे तो आपकी सारी बीमारियां, लगभग 70% आपके शरीर की बीमारी ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। और घुट घुट कर पानी पियेंगे तो जितने भी शरीर में दर्द हैं, घुटने का दर्द, एरी का दर्द, जोड़ों का दर्द, कहीं भी दर्द है, गैस है, कब्ज बनती है, वो सारा दर्द, गैस, कब्ज सब केवल घुट घुट कर पानी पीने से ही समाप्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।